हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का नया लेक्चर, नए टॉपिक साथ। बाबू, आपने ना मुझसे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ ली है, ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच पढ़ ली, ठीक है ना? शायद याद भी हो गई होगी, नहीं हुई तो आज फिर देख लेंगे, टेस्ट करेंगे। और बाबू, आपने अकाउंट भी पढ़ लिया मुझसे, अकाउंट वर्ड पढ़ लिया ना, टी शेप अकाउंट, ठीक है ना? फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस पर बेस्ड एक नया टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट। मेरी तरफ से चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, परसों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और टेस्ट होगा आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन 9 to शायद 14, 9 to 14 जो इलस्ट्रेशन थे ना उनका। अच्छा, 10 to 14 थे वो, 10 to 14 का टेस्ट होगा एक। या एक काम करो, 10 to 14 क्यों, 10 to 17 का लेते हैं, 17 का कुछ ना, 10 to 17 का टेस्ट होगा एक परसों, ठीक है? कल चैप्टर खत्म करेंगे, परसों एक टेस्ट देंगे बढ़िया सा, ठीक है ना? तरसों स्टार्ट करेंगे, इतने तरसों तक ये सारे बराबर आ जाएंगे बैच के। संडे को बैच चलेगा इस बार, ट्यूसडे का छुट्टी होगी इस बार। जाना है क्या कहीं? क्या ट्यूसडे चला जाएगा इस बार? थोड़ा मेरे को दिक्कत ज़्यादा है, मैं बाहर दिखाऊंगा डॉक्टर को, मेरे को अपॉइंटमेंट ही ट्यूसडे का मिला है। अच्छा चलो बाबू, मेरी तरफ देखना, याद कराना, अकाउंट क्या होता था बेटा? पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन की समरी है अकाउंट, यही तो अकाउंट होता था, ठीक है ना? पूरे साल भर जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसकी समरी है अकाउंट, ठीक है ना? मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, अकाउंट की बात कर रहा हूं। और बेटा ये किसी भी हेड की पूरे साल की ट्रांजैक्शन की समरी बताता है, यानी कि अगर मैं कहूं परचेज अकाउंट तो पूरे साल भर की परचेज की समरी, मैं कहूँ सेल्स अकाउंट तो पूरे साल भर जो आपने सेल्स करी है उसकी समरी, यही होता था ना अकाउंट? बाबू अकाउंट दिखने में टी शेप होता है, ठीक है ना? एक बड़ा टी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द, और किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में भी चार कॉलम होते हैं, राइट हैंड साइड में भी चार कॉलम होते हैं, याद आया होगा, ठीक है ना? सबसे पहले कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स, बोलो भी यार, तुमने तो पढ़ा है ना, मैं जान के गलत बोलता हूँ, तुम मेरे को करेक्ट कर दो, ठीक है ना? दूसरे कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम का नाम सिर्फ मैं बताऊंगा, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, इट इज नॉट जनरल, जर्नल 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 फोलियो, ठीक है ना? फोलियो का मतलब कुछ और नहीं होता, पेज नंबर को बोलते। देन अमाउंट, राइट हैंड साइड में भी चार कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, ठीक है ना? मैं लिख नहीं रहा, मुझे अभी चर्चा और करनी है, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच याद कराओ फटाफट से, क्लियर? कैपिटल लाइबिलिटी एसेट्स एंड रिवेन्यू, कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट्स पे एक जैसे रूल, कैपिटल लाइबिलिटी और रिवेन्यू पे एक जैसे रूल, अगर ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो हम करते हैं डेबिट, ठीक है ना बाबू? अगर ये तीनों चीजें कम होती हैं तो हम करते हैं डेबिट। अब तो ठीक ही बोल रहा हूं मैं बाबू, एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल, ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो ऐसा ही है। साहिल तू ना टेंशन ले, ना पतला पुतला हो जाएगा, तो यही समझ। हाँ जी, ट्रेडिशनल अप्रोच
बाबू ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं अकाउंट दो तरीके के हैं, पर्सनल और फर्दर, दो तरीके के। और पर्सनल कितने तरीके का? नेचुरल। अगर मैं बात करूं पर्सनल का रूल एक है, रियल का रूल एक है और नॉमिनल का रूल एक है, जिन्हें हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द, और रियल खड़े हो गए ही मानोगे तुम जो नहीं बोल रहे, फिर खड़े हो गए बताएंगे, बताना तो सबको है। बाबू दोबारा, डेबिट द और रियल का नॉमिनल का। रियल अकाउंट में आती हैं सारी एसेट्स एक्सेप्ट बैंक, नॉमिनल में आते हैं सारे एक्सपेंसेस सारी। ठीक है ना, इतनी बात याद है? मेरी तरफ देखना, नई बात स्टार्ट करूंगा, ठीक है? इसी को फिल करना शुरू करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ साथ एक टॉपिक लिखेंगे, लिखना। करके दिखाओ, नोट डाउन फटाफट। लो बेटा, बस बाबू हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है ना? सर कैसे करते हैं बैलेंसिंग? कहता है इसका मतलब कुछ और नहीं, मतलब ये है कि दोनों अकाउंट की साइड का टोटल करो। इट मींस टोटलिंग द बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट एंड फाइंडिंग आउट द बैलेंस आउट ऑफ इट। मतलब मेरी तरफ देखो बाबू, मान लो मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है? मैं फॉर्मेट भी पूरा कर दूं फटाफट से। मॉडर्न अप्रोच दिमाग में रखना, मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं, परचेस कम्स अंडर एक्सपेंसेस, ठीक है? और मैं बोलूं परचेस बढ़ रही है, परचेस बढ़ रही है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो ठीक है डेबिट होता है। किसी भी पर्टिकुलर्स की वजह से बढ़ रही है, मुझे भी पर्टिकुलर नहीं पड़ता, ठीक है? 20,000 से मैंने डेबिट कर दी। डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, मैंने डेबिट कर दी। मान लो अगली मुझे एंट्री देता है, उसकी वजह से परचेज कम हो रही है, यानी कि एक्सपेंस कम हो रहा है, और कम होता है तो बेटा क्रेडिट होता है। क्रेडिट कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। पर्टिकुलर्स मान लो कुछ भी है, 2500, ठीक है? फिर परचेज बढ़ रही है, और परचेज जब भी बढ़ती है देख लो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कहाँ आते हैं? डेबिट साइड कौन सी है? मान लो फिर परचेस कम हो रही है तो रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड, फिर बढ़ रही है। बस इतना मुझे क्वेश्चन में गिवेन था, मुझे बैलेंसिंग करनी है। सर बैलेंसिंग कैसे की जाती है? ढंग से सीख लो, जब तक कॉमर्स साइड में रहोगे तब तक इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब साइंस साइड तो नहीं लेनी ना कभी, अब कॉमर्स ही लेनी है ना।
यानी क्या पूरी जिंदगी कॉमर्स में रहोगे? तो सर बार बार पढ़ने का फायदा तो है नहीं, एक ही बार पढ़ के खत्म कर। ठीक है सुनना सर, मैं करूंगा टोटल दोनों साइड का इन रफ 60,000, ये मैंने रफ में लिखा। 10,000 रफ में लिखा, लिख लिया रफ में। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। ज्यादा क्या है? 60,000 लिख दो दोनों तरफ। लिख दिया सर, ये जो 60,000 मैंने लिखा है ना, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड का टोटल 60 है, इस साइड का टोटल 60 है। क्या सच मायने में इस साइड का टोटल 60 है? लेकिन रिप्रेजेंट ये टोटल को ही करता है। तो यहां पर इसका मतलब बैलेंस आएगा 50,000, तभी तो ये 60 बनेगा। ये 10,000 था, टोटल मैंने 60 लिखा, यानी कि यहां बैलेंस ही तो आ रहा है 50,000। इसका नाम लिखो बैलेंस, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। कैसे करते हैं बैलेंस? किसी भी अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करते हैं इन रफ, देन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड एंड फाइंडिंग आउट द बैलेंस आउट ऑफ इट। मुश्किल बात बोली, दोबारा सीख लो। लो सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? हमेशा राइट हैंड साइड इज द सर सेल्स पे मॉडर्न अप्रोच में रूल लगते हैं रेवेन्यू के। सेल्स कम्स अंडर रेवेन्यू, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, जब भी बढ़ता है, जब भी कम होता है, यही रूल लगते हैं। किसी पर्टिकुलर्स की वजह से सेल बढ़ रही है, कहाँ रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड इज द लिख दिया मैंने। मान लो किसी पर्टिकुलर की वजह से सेल कम हो रही है, इट इज रिकॉर्डेड इन द कौन सी डेबिट साइड है? लो लिखो। अच्छा मैं भी तो वही कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, तुम तो गुस्सा करते हो बाबू। किसी पर्टिकुलर की वैसे सेल बढ़ रही है, बढ़ाओ 5,000 रुपये। किस तरह? लो यार मुझे नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर की वैसे फिर सेल बढ़ रही है, किसी पर्टिकुलर्स की वैसे सेल कम हो रही है। अब आप बताओ बैलेंसिंग करनी है मुझे, कैसे करेंगे बैलेंसिंग? दोनों साइड का टोटल रफ में, ठीक है ना? आप ऐसे मत करना, मैं तो नीचे लिख देता हूँ जान के। आपने नहीं करना ऐसे, आप रफ में करना। मेरे लिए तो बाकी सारा एरिया रफ ही है, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर बताइए तुम्हें, ठीक है ना सर? इस साइड का टोटल, इस साइड का हाईएस्ट कितना है? 3। लो लिखो। अच्छा वही तो, मुझे ना चक्कर आ गए थे, मैं भूल गया बीच में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बाबू हाईएस्ट टोटल इज 10,000, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है? एंड फाइंडिंग आउट द बैलेंस आउट ऑफ इट। सर इस तरफ बैलेंस आया क्या कुछ? भाई ये 10,000 है और ये टोटल 10,000 ही है, क्या इस तरफ कुछ है बैलेंस? ये 3,000 है, तो टोटल 10,000 कैसे?
यानी कि कुछ तो बैलेंस है ना बीच में, कितना? कोई दिक्कत? समझ आई बात? आसान नहीं है बैलेंसिंग। अब एक बात और, एक फाइनल बात, मैं एक एक बात करके 10-12 तो बता ही देता हूँगा ना, अच्छी आदत है वैसे ये, बच्चों को तो तसल्ली रहती है। मैंने कहा एक बात, बच्चा फटाफट कंसंट्रेशन करता है, चल एक बात ही तो समझ नहीं, समझ ले। मैं फिर कह देता हूँ एक बात, चलो बाबू सुनना। इस क्वेश्चन में मेरी डेबिट साइड ज्यादा थी या क्रेडिट साइड? देख लो कौन सी साइड ज्यादा थी, डिसाइड कर लो। आधे क्रेडिट बोल देते हैं, डेबिट साइड ज्यादा थी ना। माता आ गई क्या? अच्छा बाबू, डेबिट साइड का टोटल 60, इस साइड का टोटल 10,000 था सिर्फ, कौन सी साइड ज्यादा थी? डेबिट ज्यादा थी ना। सुनना, जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, ये जो बैलेंस आएगा ना, इसे मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस। अब कुछ बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, है डेबिट बैलेंस पर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड में, तो घबराना नहीं इस बात से, हमेशा ऐसे ही होगा। जब भी डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, जो बैलेंस आता है इसे हम प्यार से बोलते हैं इट इज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है ना? और बाबू समझदार को इशारा काफी, जब भी क्रेडिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? एक क्वेश्चन करें करें, गुस्सा कर रहे क्या तुम? लो एक तो मैं क्वेश्चन करा रहा, पढ़ो जी पुत्र। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइट, ठीक है जी? कहता है फर्नीचर अकाउंट बना दो और जितनी आइटम्स दिए हैं प्रॉपर साइट रिकॉर्ड कर दो। सर दो ही साइड है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, ठीक है ना? ठीक है, आइटम्स क्या क्या दी हुई हैं पढ़ लेता हूं मैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप बता देना। फर्नीचर परचेस करा 20,000, फर्नीचर बेच दिया 5,000, दोबारा परचेस करा 8,000, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब खराब था फर्नीचर, यूज से हटा दिया, यूजलेस हो गया, बेकार फेंक दिया बाहर, ठीक है? और कहता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000, ठीक है जी? सब मेरी तरफ देखेंगे, कोई पेन नहीं चलाएगा, आपको अकाउंट्स की कसम है अगर आपने पेन चलाया तो। हाँ फेयरली पेपर देना है आपने, अभी देख लो, बस बच्चों को एक ही डर है जिंदगी में। बाबू आप फ्री हैंड मत बनाने बैठ जाना फॉर्मेट, बिना स्केल के नहीं बनाना कुछ भी आपने। आपने फीटे से बनाना है, फीटे से, ऐसे ही बोलते थे ना बचपन में। हाँ
लो सुनो बाबू, लेफ्ट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, लो लिखो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। बाबू फर्नीचर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचो, क्लियर में कहाँ आता है एक्सपेंस, वही तो बस आता है। लो रिवेन्यू आता है, एसेट्स में आता है, और एसेट्स जब भी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, कम क्रेडिट, बस क्रेडिट ही तो होती हैं और क्या क्रेडिट, इन्हें क्या पता श्रेष्ठ, बता तू बता। वही तो मैं कह रहा, क्रेडिट ही होती है पागल, नहीं ने कौन समझाए, श्रेष्ठ से पंगा लेंगे ये, पानी ले ले। एक ना एक मुर्गा तो खुद ही फंस जाता है, खुद ही कहते ले मैं फंसूंगा ले। लो बाबू, जब भी बढ़ेगा फर्नीचर डेबिट होगा, जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। अब देखो बेटा, अकाउंट्स में ना सारा काम सोचने का है, और इतना आसान है ये, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहता है फर्नीचर परचेस करा 20,000, यही कहता है ना पहली आइटम, फर्नीचर परचेस करा 20,000। मुझे ये बताओ फर्नीचर बढ़ेगा या गिरेगा भाई? अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो आएगा तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर तो बढ़ेगा ही, और जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, ऑन द डेबिट साइड। और डेबिट साइड कौन सी है, ये लो यही है। अच्छा ओहो, लो फर्नीचर परचेस्ड, पर्टिकुलर्स में मैंने लिखा फर्नीचर परचेस्ड। अब बच्चा ये भी पूछ सकता है कि डेट क्यों नहीं लिखी, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन दे देता 15 जुलाई तो लिख देता 15 जुलाई, तो लिख देता 20 अगस्त, तो मैं लिख देता 20 अगस्त, मुझे मेरा क्या जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट छोड़ दो, JF में कभी कुछ नहीं लिखना पूरे 2 साल, ठीक है ना जी। कितने के फर्नीचर खरीदे मैंने, सेकंड आइटम कहती है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5, ठीक है ना, फर्नीचर बेच दिया। एक बात बताओ, मेरे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, मैंने फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर चला जाएगा बिजनेस से, और कम हो जाएगा तो बेटा कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड है क्रेडिट, ये फर्नीचर सोल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? सर कहता है अगेन न्यू फर्नीचर वाज परचेज फॉर ₹7,500, 8,000, दोबारा फर्नीचर खरीद लिया 8,000 का। सर जब दोबारा खरीदा तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा जब भी, तो कहाँ आएगा? क्या खेल रहे हो मजाक मजाक, इन्हें कुछ और नहीं मिला क्वेश्चन, ले फर्नीचर बढ़ेगा फर्नीचर कम होगा। बाबू ये क्वेश्चन पेपर में 16 नंबर का आता है, मतलब 2-3 जन्म लग जाते हैं वो क्वेश्चन देखने में, तुम्हारे पेपर में थोड़ी आएगा। हर एक इंसान के कर्म अलग अलग है ना, तुम्हें अपने कर्मों का पता है ना, तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे आएंगे, कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है जी। कहता है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹2,500। बाबू फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया मतलब खराब हो गया, मैंने बिजनेस से निकाल दिया, कम होएगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा, और कम होएगा जब भी तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। क्या यार ये कुछ क्वेश्चन हुआ, फर्नीचर ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट बोलती है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2000, फर्नीचर की वैल्यू ₹2,000 कम हो गई, खुद ही बोल रहा कम हो गई, कम हो गई तो कहाँ आएगा, ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है ना बाबू। ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड,
ठीक है, अब एक बात सुन लेना, अगर आपने अकाउंट्स बिना बैलेंसिंग के छोड़ा तो टीचर आधे नंबर उड़ा सकता है। 3 का आया हो तो 1.5 गए, 4 का आया हो तो 2 गए। बिना बैलेंसिंग के अकाउंट्स छोड़ के नहीं आना, हमेशा कोई भी अकाउंट हो दुनिया में बैलेंस होगा। और बैलेंस करने का नियम क्या है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ, देख रहे हो ना मैं टोटल करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये आदत बनाना, ठीक है ना, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, यही आदत बननी चाहिए आपकी, ठीक है। तो हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड 28,000, ये तो 28,000 से बहुत कम है, 9,500 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड, बैलेंस निकाल लो, निकाल लिया जी, ये एरो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्यों, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इजी नहीं है। एक इलस्ट्रेशन, अगला है क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, ये बहुत टच है, चलो ट्राई करो इसको। बाबू सामने देखना, 2-3 बातें समझ लो। बाबू कहता है संजय हमारा एक क्रेडिटर है, उसका अकाउंट बना दो, ये कहता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो कभी ये नहीं लिखेंगे संजय अकाउंट, किसी का भी नाम आए, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज तो परचेज अकाउंट, सेल तो सेल अकाउंट, लेकिन अगर किसी इंसान का नाम आएगा तो संजय अकाउंट नहीं होता कोई चीज, अपोस्ट्रोफी एस लगा के संजय अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं होती, पता ही आपको, कैसे लिखोगे, /, ठीक है। अब कहता है गुड्स खरीदा संजय से 40,000 रुपए, ऐसा ही है सर। क्रेडिटर क्लियर में क्या कहां पर आएगा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, ठीक है। आपने संजय से गुड्स परचेज करा उधार पर, सर मेरी उधारी बढ़ेगी ना, क्रेडिटर बढ़ेंगे ना मेरे, आज तक 0 हैं, मैं अगर उधार पे 40,000 का सामान लेके आऊंगा, क्रेडिटर बढ़ेंगे नहीं, और बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा, मतलब क्रेडिट साइड, गुड्स परचेस्ड, ठीक है। सेकंड एंट्री कहती है शायद पेड टू संजय 25,000, मैंने उसके 40,000 देने थे, मैंने कहा ये पकड़ संजय 25,000, क्रेडिटर कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है, उससे पेमेंट कर रहा हूँ, कम ही तो हो जाएंगे वो, ठीक है ना। और कम करेंगे तो किस साइड, ऑन द डेबिट साइड, पेड टू संजय, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता है दोबारा परचेज कर ली, कितने की, 16,000 सर, दोबारा परचेज कर ली, मैंने कहा संजय और सामान बेच दे, तो भाई मेरी तो लायबिलिटी और बढ़ रही है, मेरा तो कर्जा और बढ़ रहा है, और बढ़ता है तो किस साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स परचेज कितने के, 16, किसी ने तीनों ठीक करी, न्यूट्रल हो क्या, मैं नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ, ठीक है। बाबू आगे कहता है गुड्स रिटर्न्ड टू संजय 2,000, सही है, मेरी तरफ देखना। बाबू गुड्स रिटर्न करने से क्या क्रेडिटर भी कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, देखो थोड़ा सोचो,
दिमाग पर जोर डालो, कहीं नहीं नस फटती इसकी, ठीक है ना बाबू। मान लो मैं एक इंसान से 20,000 रुपए के गुड्स लेकर आया, ठीक है, मैंने 20,000 उसके देने हैं, उसने 5,000 रुपए के गुड्स खराब पेल दिए मुझे, ठीक है। अगले दिन गया मैं, मैंने कहा खाता खोलो कितने पैसे देने हैं, उसने कहा 20। मैंने कहा ये पकड़ 5,000 के गुड़ जो कल भेजे थे खराब, पहले तो ये 5,000 कम कर इसमें से। मैंने पैसे कितने दे रहे हैं, 15। सर गुड्स अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो क्रेडिटर ही तो कम हो जाएगा, क्या समझ आई आपको इस बात से, ठीक है मान्या, ठीक है ना यार। अगर मैंने 20,000 रुपये का सामान खरीदा है, अगर मैं उसे कुछ सामान वापस भी कर दूं तो भी 20,000 ही देने हैं मैंने यार। जो सामान वापस कर दूंगा उससे गिर ही तो जाएगा क्रेडिटर, तो कम हो जाएगा, तो किस साइड रिकॉर्ड करूं, द डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न्ड। और लास्ट वन क्या है, पे टू संजय, पे कर रहा है तो बेटा तब भी कम हो जाएंगे क्रेडिटर, कितने किया है, 20,000। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड, हाईएस्ट इस इसी साइड का टोटल हाईएस्ट है, ठीक है। ये 47 आ रहा होगा, 9,000 इज द बैलेंस, और ये जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं है, 18 और 19। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, और चैप्टर खत्म होते ही परसों टेस्ट, ठीक है। अभी 18, 19, 20 और 21 इलस्ट्रेशन का नहीं होगा, 10 to 17 का होगा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।